वो आयत सुनी है ना, याद है ना, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादा सवाद पख्तूनो, दसवाद मीने तसलाम, सवाद के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मुझे आज यूथ विन की ये सबस टोपियां बहुत नजर आ रही हैं माशाल्लाह, और एमएसएफ की ये वाइट टोपियां भी बहुत नजर आ रही हैं। मुझे तो अभी सवाद का वो पिछला जलसा नहीं भूला था जिसमें अवाम का एक ठाठे मारता समंदर था यहां पर। अमीर मकाम साहब यहां खड़े हैं, इतना बड़ा वो जलसा हुआ था सवाद का, अभी वो नहीं भूला, कभी भूलेगा भी नहीं, और आज सवाद ने एक और इतना बड़ा जलसा कर दिया माशाल्लाह। फर्क सिर्फ इतना है कि उस जलसे में नवाज शरीफ साहब यहां पर लंदन से टीवी स्क्रीन पर मौजूद थे, और आज अल्लाह ताला के फजल से और आपकी मोहब्बत से ये दिन आया है कि नवाज शरीफ साहब आज आपके सामने मौजूद है यहां पर। सवाद वालों जरा हाथ उठा के बताना, मरियम नवाज ने वादा किया था आपका नवाज शरीफ आपको वापस ला के दूंगी, मरियम नवाज शरीफ ने वादा पूरा किया या नहीं किया? अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया, हमें सुरखरू किया, अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। मेहरबानी, ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो। सवाद वालों, आप लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले लोग हो, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग हो, वो आयत सुनी है ना, याद है ना, वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बहुत लोग आए नवाज शरीफ की सियासत को मिटाने की चाह दिल में लिए, बहुत लोग आए जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा, बहुत लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मदद की, आपने साथ दिया, और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहां आपके दरमियान मौजूद है। ये अल्लाह ताला का करम नहीं तो और क्या है? ये सवाद के अवाम की मोहब्बत नहीं तो और क्या है? ये पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत नहीं तो और क्या है? मैं पूछती हूं आपसे सवाद वालों, नवाज शरीफ साहब का ये सफर आसान नहीं था? उन्होंने अपनी बड़ी आसान जुबान में आज ये कहा कि मैं बीवी की खबर, बीवी की मौत की खबर मुझे अडियाला जेल में मिली। उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद के जनाजे को कंधा नहीं दे सका, मैं अपनी वालदा को लहद में नहीं उतार सका। सवाद वालों, सवाद के गयूर पख्तूनों, ये कोई आसान काम नहीं है। आपके पास यहां पहुंचने तक नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजर के आना पड़ा है, लेकिन नवाज शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि नवाज शरीफ ने सही कहा कि वो जब आपका दुख देखता है, आपका दर्द देखता है, तो उसको अपना दुख और अपना दर्द भूल जाता है। महंगाई को कम करना है, मजदूर के घर को भरना है, गुर्बत का जीना मुश्किल है, हमें जीना सस्ता करना है, बस गर्म रहेगा जब रब का दीना आसान करे सबका, बस गर्म रहेगा जब रब। सवाद वालों, आज देखते तो होंगे, चाहे अपने घरों में दुबक कर टीवी स्क्रीन्स पर बैठे हो या छुप के कहीं से देख रहे हो, देखते तो होंगे नवाज शरीफ को, ताहयात ना अहल करने वाले कहीं ना कहीं से देखते तो होंगे। बोलो, नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले देखते तो होंगे,
नवाज शरीफ को अदालतों में घसीटने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को आपसे दूर करने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ की बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करने वाले आज देखते तो होंगे। 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ अपने वतन आपके दरमियान वापस आया था, तो जो लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, उन्होंने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर देखा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल मीनारे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान ने किया माशाल्लाह। सहारा नवाज शरीफ, गुर्बत में सहारा नवाज शरीफ, है फख्र हमारा नवाज शरीफ, है फख्र हमारा नवाज शरीफ। फिर कहने लगे कि 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत रही है उसके बाद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अवाम में नहीं निकल सकती, और आज अल्लाह ताला का फजल देखो, नवाज शरीफ जहां जाता है अवाम का ठाठे मारता समंदर उसके सामने मौजूद होता है। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वालों के इतने इतनी जलसियां होती हैं और नवाज शरीफ के सामने अवाम का तूफान खड़ा है आज माशाल्लाह। इसको कहते हैं अल्लाह ताला का करम। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। आज नवाज शरीफ साहब ने, जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, उनके झूठ आपको गिनवाए हैं, वो सब झूठ नवाज शरीफ साहब ने गिनवाए हैं, उनके झूठे वादे आपको गिनवाए हैं। इतने झूठ बोले उन्होंने, इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, ये जरूर कहूंगी कि जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। जिसने लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए, आज वो भी चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी की तकलीफ पे, किसी के दुख पे खुशी नहीं मनाती, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती, किसी की आजमाइश पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन हां इतना जरूर कहती हूं कि मरियम नवाज को भी ऑफर हुई थी, जब अडियाला में अपनी मां को मैं छोड़ के आई नवाज शरीफ साहब के साथ गिरफ्तारी देने के लिए, तो जिस दिन मुझे अडियाला लेकर गए, मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जेल जाऊंगी तो नवाज शरीफ के साथ जाऊंगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाऊंगी। फिर अडियाला जेल में उन्होंने कहा कि अगर आप कागज पे लिख कर दे दें, आप टैक्स पेयर है, कागज पे लिख कर दे दें कि मैं मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। मैं चंद सवाल आपसे पूछ के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। मैं ये नौजवानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? आपको लैपटॉप्स चाहिए या पेट्रोल बम चाहिए? आपको तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छा रोजगार चाहिए या डंडे वकीलों वाले डंडे चाहिए? अगर घेराओ जलाओ आपके लंदन में बैठे हुए बच्चों का मुकद्दर नहीं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का ये मुकद्दर कैसे हो सकता है? अगर आपके बच्चे महफूज मकाम में लंदन में बैठे हैं, तो फिर पाकिस्तान के नौजवान आपके वरगलाने पर सलाखों के पीछे क्यों पड़े हैं? मरियम नवाज आज खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों से यह सवाल पूछती है, और मैं ये भी सवाल पूछती हूं कि आपके वरगलाने की वजह से
आपकी जो खवातीन कारकुन हैं वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है बाकी खवातीन की तरह। तो ये सवाल हैं जो मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के सामने रख कर जा रही हूं। 8 फरवरी को सिर्फ वोट की पर्ची को पर्ची नहीं समझना, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है जिसको सोच समझ के करना खैबर पख्तूनख्वा वालों, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सवाद। अल्लाह ताला आपको, सवाद को, खैबर पख्तूनख्वा को, पाकिस्तान को सलामत रखे। मेरे साथ मिलकर दो नारे लगा दें, दो नारे मेरे साथ मिलकर लगा दें, नवाज शरीफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो।